हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग कर्व्स का सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम जो हम बनाएंगे आज वो है हेलिक्स का। तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसकी मदद से आज हम हेलिक्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ हेलिक्स ऑफ पिच इक्वल टू 80 mm अपॉन अ सिलेंडर ऑफ 60 mm डायमीटर। तो सबसे पहले हमें जो है हेलिक्स का जो है सिलेंडर हमें बनाना होगा। तो सिलेंडर का हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो बनाना होगा। तो उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 60 mm है। तो फिर हम 30 mm कंपास में रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो फिर कुछ इस तरह से आपका सर्कल जो है वह बनेगा। उसके बाद इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फिर इस सर्कल को हम यहाँ से उसका एक बेस पॉइंट लेंगे। उसके बाद अब आपको इसके 12 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो फिर प्रोटेक्टर को इस तरह से रखिए, 30 डिग्री पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 30 डिग्री पर एक, 60 पर एक और 90, फिर से इस तरफ से 30, 60 और यहाँ पर 90। तो फिर इसके आपको 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। अब आपको इन सभी पार्ट्स को नेम्स देने हैं। तो फिर यहाँ से आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो फिर अब इस 12 और 6 को पैरेलल ऊपर की तरफ एक एक्सिस बनानी है। तो फिर इस तरह से आपको एक एक्सिस बनानी है। एक्सिस बनाने के बाद 9 और 3 वाले लाइन को आपको इस तरह से इसे लगाना है और इस तरफ से यहाँ से ऊपर इसके सभी के प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ ले जाने हैं। फिर यहाँ से और यहाँ से अब आपको उसका जो पिच दिया हुआ है वो पिच है 80 mm। तो आपको सिलेंडर की जो हाइट है वो 80 mm लेनी है। अब आपको इस तरह से 80 mm की लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक आपको बनानी है। उसके बाद इस लाइन से पैरेलल ऊपर की तरफ इस लाइन तक और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने जो है वो सिलेंडर जो है वो बना लिया है। उसके बाद इस एक्सिस को नाम देना है वाई और एक्स। उसके बाद इस 80 के 12 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 12 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें इस पॉइंट से इस तरफ किसी भी एंगल में एक लाइन जो है वो बना लेनी है और इस लाइन पे हम 12 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। इस मेथड को हम इक्वल डिवीजन मेथड कहते हैं। तो 12 इक्वल पार्ट्स आपको जो है इस लाइन के बनाने हैं। अब 12 इक्वल पार्ट्स बनने के बाद आपको इन सभी पार्ट्स को जो है वो नाम देना है। तो फिर यहाँ पर हम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जो 12th पार्ट है उस पार्ट को इस कॉर्नर से आपको ज्वाइन करना है। तो इस कॉर्नर के पॉइंट से इस 12 को जो है वो ज्वाइन कर लेना है। अब इसे ज्वाइन करने के बाद इस 12 से इस कॉर्नर को जो लाइन गई है उससे पैरेलल सभी पॉइंट से एक लाइन जो है वो यहाँ पर सिलेंडर तक बनानी है। तो फिर कुछ इस तरह से आपको इसे रोलर को पैरेलल लगा के सभी पॉइंट्स से एक इस तरह से उसे पैरेलल लाइन बनानी है। अब सभी पार्ट्स बनाने के बाद आपको इन सभी पार्ट्स को जो है वो नेमिंग करनी होगी। तो फिर इस 1 वाले पार्ट को हम पर 1, 2 वाले पार्ट को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह से मार्किंग बना लेंगे। अब इस तरह से मार्किंग बनाने के बाद हमें ये सर्कल के सभी पॉइंट्स जो है वो ऊपर इस सिलेंडर के ऊपर जो है वो हमें प्लॉट करने हैं। तो फिर सिलेंडर के ऊपर सभी पॉइंट्स को जो है इस तरह से पॉइंट को प्लॉट करना है। तो फिर 2 और 11 के पॉइंट को हमें ऊपर इस तरह से प्लॉट करना है।
टू और 11 के पॉइंट, फिर 10 और 2 वाले पॉइंट को, उसके बाद 9 और 3 वाले पॉइंट को, और 4 और 8 वाले पॉइंट को, 5 और 7 वाले पॉइंट को, और 6 वाला पॉइंट ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो पॉइंट 1 नंबर का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जो है उसे लाना है। तो 1 वाले पॉइंट को 1 नंबर के पॉइंट पर मैच करना है। तो फिर 1 वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जो है इसे हमें मार्क करना है। तो 1 वाला पॉइंट जो है 1 यहाँ पर है, और ये वाला 1 जो है हमने लिया था वो आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 1। उसके बाद 2 नंबर के पॉइंट को हमें इस तरह से 2 नंबर के पॉइंट को 2 नंबर के पॉइंट से मैच करना है। 2 नंबर का पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो 2 नंबर का पॉइंट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे उसे देंगे हम पॉइंट नंबर 2। उसके बाद 3 नंबर के पॉइंट को इस 3 नंबर वाले लाइन पे इसे मैच करना है। तो फिर 3 नंबर वाली लाइन को हम 3 नंबर के पॉइंट से मैच करेंगे। तो फिर इस 3 को यहाँ पर इस 3 पे लाना है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 बन गया। पॉइंट नंबर 3 बनने के बाद आपको पॉइंट नंबर 4 जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है उसे बनाने के लिए आपको पॉइंट नंबर 4 की लाइन तक आपको इस तरह से मैच करना है। पॉइंट नंबर 4 जो है यहाँ से यहाँ तक मैच करेगा। सभी पॉइंट्स मैच करने के बाद आपको सभी पॉइंट्स उसी तरह मैच करने हैं, सिर्फ पॉइंट नंबर 6 जो है इस उसी लाइन पर रहेगा। तो हमें अब यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर P12 हमने यहाँ पर दिया, उसके बाद क्योंकि 12 नंबर का पॉइंट यहाँ पर और ये 12 लाइन 12 वाली लाइन जो है यहाँ पर मिलते, तो यहाँ पर मिला हमें पॉइंट नंबर 12। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर आप यहाँ पर भी आपको लिखना है पॉइंट नंबर 12 जो कि इस लाइन पर मिलता है। उसके बाद आपको सभी पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने जहाँ पर 1 लिया था उसे हमें लिखना है P1, यहाँ पर P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 और यहाँ पर P11 और P12। अब आपको ये सभी पॉइंट्स को आप फ्रेंच कर्व से जोड़ सकते हैं या फिर उसे फ्री हैंड भी आप उसे बना सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में सब कुछ जो है वो फेंट ड्रॉ करना है। अब आपको इस P12 वाले पॉइंट से, इस कॉर्नर से यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। आपको जो है सभी पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका हेलिक्स जो है वो दिखेगा। अब आपको इन सभी को जो है वो डायमेंशंस देने हैं। तो डायमेंशंस कुछ इस तरह से देने हैं। डायमेंशंस देने के बाद आपका ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमने जो है हेलिक्स का जो प्रॉब्लम है वो हमने अब सॉल्व कर लिया। ये जो हेलिक्स हमने बनाया वो सिंगल टर्न हेलिक्स है। अगर डबल टर्न हेलिक्स होता तो इसके ऊपर जो है दूसरा हेलिक्स बनता। तो फिर आपको और इंजीनियरिंग कर्व्स के अगर वीडियो देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।